सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से अपने GTA 5 के अंदर मॉड्स को इंस्टॉल करना है, ठीक है, बेसिक मॉड्स को। अब बेसिकली कोई भी मॉड इंस्टॉल करने से पहले आपको GTA 5 के अंदर कुछ बेसिक मॉड इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिसकी मदद से आप जो अपने GTA 5 के अंदर और बाकी फिर मॉडिंग कर सकते हो। फिर चाहे आपको कार्स ऐड करनी हो, चाहे ग्राफिक मॉड ऐड करना हो, फिर आपको कुछ भी मॉड करना हो, आपको ये बेसिक मॉड जो है इंस्टॉल करनी पड़ेंगे। आप लोगों के लिए मैंने एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बना दी है, जिसमें आपको ये 5 सॉफ्टवेयर जो है आपको इन ये कंपलसरी चाहिए, ठीक है। तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ओपन आईवी को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेटिव जो है लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको स्क्रिप्ट हुक वी को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रिप्ट हुक v.net, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। और लास्ट में आपको डाउनलोड करना है मेन्यू PC, ठीक है। ये सब फाइल्स को आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको इन सब फाइल्स को रख लेना है एक सेपरेट फोल्डर में। अभी देखो ये सारी फाइल्स मैंने यहाँ पे रख ली है। तो जब आप सारी फाइल्स को डाउनलोड कर लोगे, तो आपको सबसे पहला जो स्टेप है आपको इंस्टॉल करना है ओपन आईवी सॉफ्टवेयर को। आपको इसको ओपन करना, कंटिन्यू करना, एक्सेप्ट करना, फिर कंटिन्यू करना, फिर कंटिन्यू करना, यस कर देना। बेसिकली आपके एक PC या लैपटॉप के अंदर इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि 20 MB की जो है फाइल से डाउनलोड करता है। जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, इसको क्लोज करना है यहाँ पे। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है, ओपन करना है यहाँ पे, अपना गेम सेलेक्ट करना और विंडोज़ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे मांगेगा लोकेशन कि आपका गेम कहाँ पर इंस्टॉल है। तो मेरा जो गेम है वो है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, फिर उसके अंदर है एपिक गेम्स में, फिर GTA 5। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। यहाँ पे सक्सेसफुली जो लोकेशन है वो आ चुकी है उसकी GTA 5 की। उसके बाद कंटिन्यू करना आपको यहाँ पे, फिर कंटिन्यू करना। अब आपको जो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर वो ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ASI मैनेजर का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जितने भी है ASI लोडर, ओपन IV, ओपन कैमरा, इन तीनों को आपको इंस्टॉल कर देना है। अगर ये अनइंस्टॉल होंगे तो इंस्टॉल कर देना इनको। अब मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉलेड है, तो सिंपली इसको उसके बाद क्लोज कर देना। आपको जो ये 100 सक्सेसफुली पूरा इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको जाना है अपनी GTA 5 की डायरेक्टरी में, जहाँ पे भी आपका जो गेम है वो इंस्टॉल है, आपको उसमें जाना है, GTA 5 के फोल्डर में जाना है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, जिसको आपको नाम देना है MODS, मोड्स, ठीक है। अभी आपका मोड्स का फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये जो अपडेट का फोल्डर है, आपको ये इस फोल्डर को इस मोड्स के फोल्डर में डालना है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि इस अपडेट फोल्डर का जो साइज़ है ना, वो 52 GB है, ठीक है। अब मेरी डिस्क में तो इतना स्पेस है। अब हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि आपके डिस्क में इतना स्पेस ना हो। अब बेसिकली चीज़ क्या है कि हमें जो ये DLC पैक्स है ना, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन हम इसको यहाँ से डिलीट भी नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ, आप इस मोड के फोल्डर क्रिएट मत करना। मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये मोड्स का फोल्डर दे दूंगा, आपको सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना और सिंपली यहाँ पर GTA 5 की डायरेक्टरी में इसको पेस्ट कर देना। आपको बस इतना करना, आपका सारा टाइम बच जाएगा। सिर्फ आपको ये मोड का फोल्डर डाउनलोड करना पड़ेगा, ये तकरीबन 1 GB के आसपास का होगा। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, वरना आप वापस जहाँ पे मोड का फोल्डर क्रिएट करना, उसके अंदर अपडेट का फोल्डर क्रिएट करना, फिर ये X64 का फोल्डर क्रिएट करना, और ये डाटा का फोल्डर क्रिएट करना, और एरर कोड का फोल्डर क्रिएट करना। अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो उस फाइल को डाउनलोड कर लेना सीधा मोड के फोल्डर को, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये बहुत बेसिक स्टेप है। तो जब आप ये मोड के फोल्डर को यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कर लोगे, पेस्ट कर दोगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट करना है, जिसका नाम देना है आपको स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट। अब आपको ये फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेना, इसको यहाँ पे ओपन करना है। अब उसके बाद आपको जाना है, आपने यहाँ पे फाइल्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है नेटिव UI को, तो ये रिलीज वाला जो फोल्डर होगा इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना यहाँ पे। अब इसके अंदर जो दो फाइल्स होंगी, इनको यहाँ से सिंपली कॉपी करना और सिंपली पेस्ट कर देना अपनी स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में, ठीक है। ये अपना आपका जो इंस्टॉल हो गया है। अब उसके बाद आपको वापस अपने उन डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, जहाँ पे हमने फाइल्स को डाउनलोड करके रखा है। अब ये हो गया है, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है स्क्रिप्ट हुक, आपको इसको अभी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद फोल्डर को खोलना है, बिन में जाना है। यहाँ पे आपको दो फाइल मिलेंगी, आपको इन दोनों फाइलों को, दोनों DLL फाइल्स को सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है GTA 5 के फोल्डर में। अब मैंने ऑलरेडी है तो रिप्लेस मांगा है इसलिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसको भी डिलीट कर देना है। अब उसके बाद आता है स्क्रिप्ट हुक डॉट नेट,
आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे तीन DLL फाइल होंगी, 1, 2, 3, ठीक है। ये तीन फाइल आपको लेनी है और सिंपली इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने GTA 5 के फोल्डर में। अब मेरे में ऑलरेडी है तो इसलिए रिप्लेस मांग रहा है, तो आपको सिंपली ऐसे कर देना है। उसके बाद हम इसको भी डिलीट कर देंगे। अब लास्ट में हमारा मेन्यू ट्रेनर, मेन्यू ट्रेनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपली इस फोल्डर को ओपन करना है मेन्यू ट्रेनर को, और ये दो फाइल होगी, एक फाइल ये मेन्यू की फाइल होगी ASI और एक होगा ये मेन्यू स्टब। आपको इन दोनों फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में। मेरे में ऑलरेडी है तो रिप्लेस मांग रहा है, इसलिए मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो बस इतना काम है, आपको ये चीज़ें करनी है। उसके बाद आपका जो गेम है आपके आप फिर उसके अंदर आप कोई से मोड्स वगैरह, कोई भी व्हीकल वगैरह कुछ भी स्टोर कर सकते हो इजीली, आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई दिक्कत वगैरह आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। अब इससे जो नेक्स्ट मोड नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा कि आपको कैसे ग्राफिक मोड पैक इंस्टॉल करना है अपने लो एंड PC के अंदर, GTA 5 के अंदर। छोटे में इतना है यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू गाइस।